राजधानी देहरादून में आज सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। इसके तहत ही मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाई है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया गया है। साथ ही कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक बढ़ाने के लिए ITBP के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़, मटन, चिकन और मच्छी उपलब्ध होगी, जिससे कि स्थानीय स्तर पर 200 करोड़ का फायदा होगा। इसके साथ ही विकासनगर में सिविल न्यायालय की भूमि 1 की लीज पर दिए जाने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है, जिसमें 30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। वहीं दूसरी और वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख ही GPF में अब जमा हो सकेंगे। ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सरकार ने टैक्स लगाई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तीसरा अगला जो मध्य है हमारा, ये सिविल न्यायालय विकास नगर देहरादून का जो परिसर है, वहाँ पे 358 वर्ग मीटर भूमि अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के निर्माण हेतु पशुपालन बार एसोसिएशन को 1 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्षों के लिए लीज पे दिए जाने के संबंध में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी। 358 वर्ग मीटर। अगला मध्य ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का मत था। इसमें उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन, जिसमें लैब, OT, CSDS, डेंटल आदि संबंध आते थे, इसमें उनकी नियमावली थी। लेकिन इसमें CSDS में इनकी नियमावली में कतिपय समस्या आ रही थी कि लोग इनके मिलते नहीं थे। इसमें नई अर्हता डाली गई है CSDS टेक्नीशियन के बारे में कि पैरामेडिकल काउंसिल में जो पंजीकृत संस्थान हैं, इनसे OT में डिग्री या डिप्लोमा या CSDS में डिग्री डिप्लोमा, यानी कि ऑप्शन खोल दिए कि OT में डिग्री या डिप्लोमा हो तब भी इसमें चयन किया जा सकेगा। तो जो 24 तक था वो अध्यादेश, उसको 3 साल और बढ़ाने के लिए उसमें टोटल 9 वर्ष की अवधि कर दी जी। अगला मत ये हमारा सिंचाई विभाग का था। सिंचाई विभाग में पूर्व में जो हम लोग सरफेस वाटर वगैरह देते थे तो उसमें शुल्क लेने की व्यवस्था थी, जो भी सरफेस वाटर को यूज करते थे। आज इसमें जो ग्राउंड वाटर है और जो हमारे स्प्रिंग्स हैं, स्रोत, नेचुरल सोर्सेज जो हैं, उसका यूज करने में भी जल मूल्य दरें निर्धारित करने के संबंध में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी।